हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स के ग्रुप। मैं आज फिर आज सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो है यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम निकला था असिस्टेंट इंजीनियर का, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एई की जो वैकेंसीज निकाली थी उन वैकेंसीज में जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में उनके मन में कन्फ्यूजन है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होगा और ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपीपीएससी का कंप्लीट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही में साथ आपके जो कॉलेज जूनियर हैं, सीनियर हैं और जो आपके कॉलेज मेट्स हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ जुड़े हुए हैं उनमें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, सो डेट आपके साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनका भी कन्फ्यूजन जो है एग्जाम पैटर्न को लेके जो है वो दूर हो सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूपीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी करा था। एक्चुअली इसका जो नोटिफिकेशन था वो लास्ट मंथ निकला था और अभी 13 सितंबर को ये एग्जाम जो है वो क्लोज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका बंद हो चुका है। पूरे इंडिया से स्टूडेंट थे जो है वो अप्लाई कर सकते थे इसमें। सारे स्टूडेंट्स, हर स्टेट का स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल था। टोटल एई की जो वैकेंसी थी 271 जो है वो वैकेंसीज आई थी। 271 टोटल वैकेंसीज में मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स थे वो एलिजिबल थे इसमें अप्लाई करने के लिए। सो इस जो यूपीपीएससी का जो एई का एग्जाम है, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर आपके मन में जो शंका है, तो मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मेरे पास है, मैं इसको पूरा अच्छी डिटेल में स्टडी करके आपको जो है इसका बताने वाला हूँ कि एग्जाम पैटर्न जो इसका रहेगा। इसमें बेसिकली दो डिफरेंट पेपर्स होंगे। एक पेपर वन से होगा, देन पेपर टू होगा। पेपर वन में जो है वो आपके पास जो हिंदी का सिलेबस है वो रहता है और साथ में आपकी जो टेक्निकल ब्रांच है वो रहेगी। जो हिंदी का पेपर है वो 75 मार्क्स का आना है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आएगा, 75 मार्क्स का टोटल 25 क्वेश्चन जो है हिंदी में से आएंगे पेपर वन में, और 100 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हिसाब से 300 जो मार्क्स का जो पेपर है वो आपका टेक्निकल जो ब्रांच है, जो भी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर जिसमें भी अपने अप्लाई करा है उसका एग्जाम आएगा। तो पहला जो एग्जाम है वो 375 मार्क्स जो है उसका एग्जाम होगा। देन पेपर टू होगा। पेपर टू जो है उसमें आपके पास जीके आएगी, अगेन 25 क्वेश्चन जो है 75 मार्क्स के। देन आपका जो टेक्निकल टू जो पेपर है उसका जो सिलेबस इसमें डिफाइंड है उसका पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से जो है ये 375 के टोटल जो है दो एग्जाम होने हैं आपके। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है आपको हर एग्जाम में पेपर वन में भी कट ऑफ क्लियर करना है, पेपर टू का भी कट ऑफ क्लियर करना है। इसमें ये कंडीशन है कि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है। पेपर वन की कट ऑफ भी क्लियर करनी है, देन पेपर टू की कट ऑफ भी क्लियर करनी है। इन दोनों कट ऑफ को जब आप क्लियर कर पाएंगे उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। वो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का आपका होना है। ये फाइनल जो मार्क्स आपके बनेंगे इसमें से फाइनल जो सिलेक्शन आपका बनेगा, जो बच्चे ये तीनों फेज जो है उसको क्लियर करेंगे उनका ही फाइनल जो मेरिट है उसमें नेम आएगा। सो इसके लिए जो सिलेबस है वो स्पेशली मेंशन है यूपीएससी के, यूपीपीएससी के एग्जाम और सिलेबस को लेके। अगर आपके मन में कोई भी वरी है, आप कोई भी ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोर्सेज हैं, क्लासरूम कोर्सेज, उनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव कोर्सेज चला रहे हैं हम लोग। आप बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जो है ऑनलाइन कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और स्पेसिफिकली जो आपको डाउट रहता है नॉन टेक्निकल पोर्शन जो जीके एंड हिंदी का है, इसकी भी क्लासेस आपको जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड होंगी। सो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्स में जुड़ने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 9855754242 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आइदर हमारी वेबसाइट जो है www.engineerscurriculum.in पे जाके आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। मेरी सारे बच्चों को अपील है, जो भी स्टूडेंट जो हैं यूपीपीएससी का एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन जरूर करें, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं बिना प्रिपरेशन के जो है वो एग्जाम देते हैं। और आपको पता ही है कि ये जो एग्जाम आते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद एग्जाम निकलता है ये वाला, तो 3-4 साल के बाद एग्जाम वापिस आया ये वाला, तो अभी इसको ट्राइड एंड टेस्टिंग मोड में मत रहें, इसको फुल एंड फ्लेज जो है अपनी तैयारी करके, प्रॉपर प्रिपरेशन करके इसको एग्जाम को अटेम्प्ट करें, सो दैट इस साल जो है आपका सिलेक्शन जो है फाइनलाइज हो सके। सो अगले 3-4 साल
साल तक वेट ना करनी पड़े, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना पढ़े जो है वो तैयारी करके पेपर को ट्राइड एंड टेस्टिंग मोड से जाते हैं। तो ट्राइड एंड टेस्टिंग के मोड से नहीं जाना है, हमें पूरी तैयारी करके जाना है। तो तैयारी के लिए आप इंजीनियर्स करियर के साथ जुड़े। इस टाइम पे हमारे पास महाराष्ट्र से एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, गुजरात में जीएससीएल एग्जाम के लिए, उत्तराखंड में यूकेपीएससी के लिए, जे एंड के में जेकेपीएससी जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, पंजाब में पीपीएससी के लिए, हिमाचल में एचपीपीएससी एग्जाम के लिए, ये सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सो आप भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अपनी स्टेट की जो भी आपका सिलेबस है, हमारा स्टेट वाइज बैचेस चलते हैं, तो उन सिलेबस को आप वहां पे हमारे साथ जुड़ के जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस एग्जाम पैटर्न का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे काफी हटके जो पैटर्न है। सो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस सिलेबस को जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है उसको फॉलो करते हुए आपने जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855745442 पे फोन करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी जो है वो कोर्सेज की मिल जाएगी। अगर आप अदर कोर्स जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप इसी हेल्पलाइन नंबर 9855745442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आप मैं इस चैनल पे नई नई वीडियोस लेके आता रहा हूं और आपके लिए जो भी नई नोटिफिकेशन आती हैं जो आपके करियर के नई डायरेक्शन दे सकती हैं उनकी पूरी जानकारी जो है मैं इस चैनल पे आपको देता हूं। सो अगर आप सारी सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो बटन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा और हम नई वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।